बाकी ये देखिए भाई, ये पूरा नेट का जो काम है यहाँ आपको देखने को मिल जाता है। अरे आप मोदी जी से भी मिले थे, आप ही थे। अच्छा ये देख सकते हैं भाई, ये देख सकते, ये जो पूरा एरिया था ये वही एरिया था जहाँ मोदी जी जो है इधर की तरफ आए थे, जो कि इस तरफ खड़े होके मोदी जी ने पूरा जो काम था इसका पूरा जायजा लिया था, देखा था, परखा था। यहाँ पर बैठे थे एक एक मिनट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों आज मैं आप सभी को लेकर आ गया हूँ दोस्तों द्वारका के एक कन्वेंशन एक्सपो सेंटर में। भाई इसके अंदर जो है मैं आप सभी को फुल टूर कराऊंगा, क्योंकि दोस्तों पब्लिक के लिए ये अभी के लिए दोस्तों ओपन हो चुका है। इसके अंदर मैं आप सभी को लेकर चलूंगा, इसका पूरा का पूरा फुल टूर कराऊंगा। बाकी जितनी भी जानकारी इसके अंदर जो है एग्जीबिशन जो आपको लगाए गए हैं वो आपको कौन कौन से देखने को मिलेंगे, जो कि आज के इस ब्लॉग में आपको पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों आज का ये ब्लॉग दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो मेरे चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। बाकी देख सकते हैं भाई यहाँ पर आपको और भी कई सारे, भाई इतना बड़ा एग्जीबिशन है जो आपको आगे तक जो है वो पूरा काम जो है आपको इस पूरे एग्जीबिशन में देखने को मिल जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पर आपको यूपीआई, एटीएम और एसबीआई के बारे में सारी जानकारी मिलेगी। बाकी यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग मेट्रो की तरफ से जो है ये पूरा ये जानकारी आपको मिल जाएगी, ये देख सकते हैं। बाकी यहाँ देखिए, ये देखिए भाई कुछ अलग ही तरीके से, ये देखिए ये पूरा जो है ज्वेलरी ये पूरी बनाई हुई है यहाँ पर, ये देख सकते हैं। बाकी ये पंजाब से रिलेटेड जो पूरा काम है ये किया गया है, देख रहे हैं। ये चीज़ भी भाई काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में, ये देख सकते हैं। बाकी ये देखिए भाई, ये पूरा नेट का जो काम है यहाँ आपको देखने को मिल जाता है। ये देखिए पूरा नेट का काम, ये देखिए किस तरह जो है स्क्रीन पे दिखाया गया, नेट पे किस तरह जो पूरा काम है वो किया गया है, देखिए टीवी पे देख सकते हैं। बाकी यहाँ जो है पूरा हैंडमेड तरीके से पूरा नेट का काम आपको यहाँ देखने को मिल जाता है, ये देखिए। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अभी देखिए, ये देखिए बाकी जो है हाथ से तैयार किए जा रहे हैं यहाँ पर हैंडमेड, देख रहे हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से जो है ये बनाए जाते हैं, देख रहे हैं। ये देखिए ये अभी नेट तैयार किया जा रहा है, इनका अपने ही कला है, अपने ही तरीका है नेट तैयार करने का, जो कुछ इस तरह से जो है ये बनाया है। बाकी यहाँ जो थीम है ये पूरी समुद्र के एरिया की दी गई है, देख रहे हैं। यहाँ रेत डाली गई है, बाकी पीछे जो है स्क्रीन पर समुद्र को दर्शाया जा रहा है। तो कुछ इस तरह से जो है ये पूरा एरिया बनाया गया है। तो ये जो काम है दोस्तों ये नीचे साउथ एरिया में जो है कराया जाता है। ये देखिए भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए कुछ इस तरह से जो है वुडन का काम आप देख सकते हैं, कितनी बारीक वुडन का जो काम है किया जाता है। ये जो है नाव तैयार करते हैं, देख रहे हैं। यहाँ नाव तैयार करके भी दिखाई गई है। तो इनका जो काम है नीचे के एरिया में नाव तैयार करने का है, जो कि ये बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी नाव जो है तैयार करते हैं, ये देख सकते हैं। और पूरा जो मॉडल है ये पूरा वुडन से बनाकर ये जो है तैयार किया गया, देख रहे हैं किस तरह से जो है पूरी नाव तैयार की गई है। बाकी ऊपर के जो है ऊपर का एरिया हो गया, नीचे का, बाकी इससे छोटा जो है वो भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये तैयार किया गया नाव का। ये देखिए इनका एंटिक पीसेस का पूरा काम आपको यहाँ देखने को मिल जाता है, देखिए। बाकी ये देखिए भाई ये कई सारे जो औजार हैं, ये देखिए ये जो तैयार किए गए हैं तवे देख सकते हैं, ये देखिए। बाकी ये आप अपने हाथों से तैयार करते हैं पूरा, ये जो है ये आप अपने हाथों से तैयार करते हैं पूरा। कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं आप? आसम से आए हैं। अच्छा ये देखिए भाई आसम से आए हैं। बाकी क्या क्या चीज़ें आप बनाते हैं औजार में? है जी, है है, इसको क्या बोलते हैं? इसको कुपरी बोला जाता है। अच्छा ये देख सकते हैं भाई पूरा जो काम है ये पूरा किया जाता है। खंजोरी भी है। अच्छा ये देखिए। बाकी ये क्या है? अच्छा ये किस से बनाया गया? ये पीतल से बनाए गए। अच्छा ये देखिए भाई ये पूरा जो काम है ये पूरा का पूरा पीतल से, पीतल के बर्तन आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं, ये देख सकते हैं भाई काफ़ी बारीकी से जो पूरा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको? कढ़ाई, कढ़ाई। अच्छा ये कढ़ाई है, ये देख सकते हैं। अच्छा ये तवा, अच्छा ये कलसी है, ये देख सकते हैं दोस्तों। ये पूरा जो काम है ये पूरा का पूरा इनकी तरफ से जो है ये किया जाता है, ये देख सकते हैं। तो इतने जो चीज़ें हैं ये हमें यहाँ देखने को मिल जाती है, ये देख सकते हैं। बाकी देखिए यहाँ हमें जो है कलातीत विश्वकर्मा संग्रहालय प्रदर्शनी जो है हमें यहाँ देखने को मिल जाती है, ये देख सकते हैं भाई पूरा जो काम है ये देख सकते हैं टोकरी निर्माता। ये देखिए भाई काफ़ी अलग अलग हारपून भाई, ये देखिए तलवार, कई सारे जो पुराने टाइम के देखे उपकरण निर्माता जो हैं उनका आप देख सकते हैं शस्त्र शाल, इनके हाथों से जो बनाए गए काम हैं वो आपको देख सकते हैं। यहाँ ताला शिल्प आप देख सकते हैं कि पूरी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ बताई गई है। बाकी देखिए कुछ इस तरह से जो है, ये देखिए भाई हाथी का पूरा जो ये कवच है ये आप देख सकते हैं। बाकी ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से जो है ये पूरा बनाया गया। तो कुछ इस तरफ जो है छोटा सा एक जो है संग्रहालय के तौर पे जो है ये एरिया तैयार किया गया है। ये काफ़ी अच्छा लगा देखकर भाई। ये देख सकते हैं आगे बढ़ के, ये देखिए ये है गज आकृति से अंकित। देखिए राजाओं के जूते आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे भाई, देख रहे हैं। ये देखिए राष्ट्रीय संग्रहालय में से जो है लाए गए हैं आपको दिखाने के लिए जो है इनका इस्तेमाल किया गया है। ये देख सकते हैं मगर, ये मगरमच्छ का चमड़ा है। अच्छा ये देख सकते हैं मगरमच्छ के चमड़े से जो है ये पूरा संदूक तैयार किया गया। बाकी यहाँ देखिए भाई, यहाँ पर जो है रानी साहिबा बाजी का पेशबाज जो है हमें उनकी ड्रेस जो है ये देखने को मिल जाती है भाई। पूरा छोटा सा जो है संग्रहालय के तौर पे आपको इसमें सारी जानकारी मिल जाएगी। बाकी यहाँ देखिए हर एक बिजनेस से रिलेटेड पूरा काम आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। ये हेयर स्टाइल और कई सारे मेकअप को इसमें जो है लेडीज़ मेंस का जो पूरा स्टाइलिश जो पूरा सैलून का पूरा काम है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाता है, ये देख सकते हैं। बाकी ये देखिए हेयर स्टाइल से हो गया रिलेटेड और कई सारे जो रिलेटेड काम है ये देख सकते हैं, शेविंग से रिलेटेड। और ये देख सकते हैं पूरा जो काम है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाता है, देख रहे हैं, ये देख सकते हैं। बाकी ये देखिए ये कुछ आपको कुछ पुराने टाइम की चीज़ें याद दिलाएंगी, देख सकते हैं। ये देखिए वुडन तरीके से जो पूरी चेयर का काम है। बाकी ये देख सकते हैं वुडन तरीके से जो पूरा ये क्या कहते हैं दोस्तों, ये जो है मिरर का पूरा काम आपको देखने को मिल जाता है। देखिए ये थोड़ा पुराने टाइम का लुक दिया गया इस एरिए को, बाकी इसको नया लुक दिया गया, देख रहे हैं कुछ इस तरह से, देख सकते हैं। बाकी नाम भी लिखे गए हैं, देख सकते हैं B29 और भी कई अलग अलग तरीके से। बाकी ये देखिए भाई यहाँ पर जो है आपको यहाँ देखने को मिल जाता है, देखिए पूरा जो है ये पूरा काम आपको जो है यहाँ देखने को मिल जाता है। देखिए स्टिचिंग का, ये देखिए भाई पूरा सिलाई का काम जो है यहाँ किया गया है। अलग अलग स्टेट से आए हैं ये देख सकते हैं। ये देखिए काफ़ी अलग अलग पूरा। बाकी ये देख सकते हैं मोदी जी की जो फ़ोटो है वो स्टिचिंग की जा रही है, देख रहे हैं, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। इसमें आपको शो हो जाएगी मोदी जी की फोटो। बाकी यहाँ पर जो है पूरी तैयार हो रही है, देख रहे हैं। ये देखिए मशीनों का जो अलग अलग काम है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। सिलाई का देख रहे हैं पूरा अलग अलग काम जो है ये देख सकते हैं। लेडीज में ड्रेस हो गई, इनका पूरा जो काम है वो आपको यहाँ पूरे इस एरिए में देखने को मिल जाता है। देखिए अलग अलग धागों से अलग अलग स्टिचिंग से पूरा अलग अलग मशीन आपको यहाँ देखने को मिल जाती है जो कि स्टिचिंग की गई है, देख रहे हैं। ये देख सकते हैं कई लोग आपको यहाँ काम करते हुए भी नज़र आ जाएंगे, ये देख सकते हैं। बाकी अब बारी आपको मिट्टी के सामान जो है दिखाने की, देख सकते हैं यहाँ पर मिट्टी के बर्तन जो है वो बनाए रखे हैं, ये देख सकते हैं मटके। ये देखिए यहाँ जो है बनते हुए तैयार किए गए हैं, देख सकते हैं। ये देखिए देख रहे हैं, ये देखिए भाई बनते हुए तैयार किए जा रहे हैं, ये देख सकते हैं। ये देखिए छोटा सा ये जो है ये पूरा तैयार किया गया। बाकी यहाँ कुछ इस तरह से जो है ये सारे मटके जो हैं ये तैयार किए गए। बाकी अलग अलग जो तरीके हैं इनके ये देख सकते हैं, सुराई हो गया और भी कई सारा जो काम है इनका ये पूरा जो है ये देखने को मिलता है यहाँ पर हमें। बाकी ये देख सकते हैं एक लड़का जो है बनाते हुए भी नज़र आ जाएगा आपको यहाँ। बाकी यहाँ देखिए वेल्डिंग का पूरा काम आपको यहाँ देखने को मिल जाता है, ये देख रहे हैं, ये देख सकते हैं। ये देखिए मकान बनाने के लिए बाकी अलग उसके लिए जो है पूरा इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे, देख रहे हैं भाई। हर एक चीज़ जो है वो शामिल है इसके अंदर जो भी आपको यहाँ नज़र आ रही है, देख रहे हैं। बाकी मकान बनाने से रिलेटेड और भी कई सारे जो जितने भी काम हैं वो आपको इस पूरे एरिया में देखने को मिल जाते हैं। सीमेंट से लेते हैं ईंट तक का जो काम वो आप यहाँ देख सकते हैं, देख रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। अब बारी है आपको उस स्टॉल पर लेकर आने की जहाँ पर बनाए जाते हैं कई सारे, ये देख सकते हैं जूते, ये देख सकते हैं, ये देखिए भाई काफ़ी अलग अलग जो है यहाँ पर आपको सैंडल्स देखने को मिल जाएगी। कौन से स्टेट से बिलोंग करता काम? अच्छा, केरला से पूरा काम जो है ये बिलोंग करता है। ये देख सकते हैं कोल्हापुरी स्टाइल है पूरा चप्पलों का, ये देख सकते हैं भाई कोल्हापुरी जो स्टाइल है ये आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। ये देख सकते हैं, ये देखिए, बाकी आगे देखते हैं, ये देख सकते हैं भाई, ये देखिए भाई कितनी अलग ही जो है, ये देख सकते हैं सैंडल का पूरा स्टाइल जो आपको ये देखना। बाकी देखिए यहाँ पर एक जो रूप है कोल्हापुरी सैंडल्स का, ये आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े साइज़ में जो है कोल्हापुरी सैंडल जो है बनाए हुए। बाकी इधर आपको और भी कहीं अलग अलग स्टेट्स की जो है सैंडल्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। बाकी कुछ इस तरह से जो है यहाँ पर बनाई जाती है, देखिए पूरा बारीकी से जो पूरा काम है यहाँ किया जाता है, ये देख सकते हैं। बाकी ये कौन सी सैंडल्स है भैया, कौन सी है सैंडल्स? ये राजस्थानी है, ये देख सकते हैं भाई, ये जो सैंडल्स है राजस्थान को जो है बिलोंग करते हैं पूरा काम। तो अलग अलग जो है कोल्हापुरी, राजस्थानी और भी कई अलग अलग जो टाइप्स की जो सैंडल्स हैं वो आप हमें यहाँ देखने को मिल जाती है। ये देख सकते हैं यहाँ पर हमें, देखें यहाँ पर हमें काफ़ी अलग अलग जो है तरीके से जो है शूज़ हमें यहाँ देखने को मिल जाते हैं। देखिए ये भी देखूंगा तो मेरे नंबर। बाकी देख सकते हैं ये जो एरिया है यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कौन से स्टेट की जो है सैंडल्स तैयार की जा रही है। बाकी आप कौन से राज्य से आए? राजस्थान से। ये पूरा काम राजस्थान से बिलोंग करता है। अच्छा, ये देख सकते हैं अभी आप मोदी जी से भी मिले थे, आप ही थे? अच्छा, ये देख सकते हैं भाई, ये जो पूरा एरिया था ये वही एरिया था जहाँ मोदी जी जो है इधर की तरफ आए थे, जो कि इस तरफ खड़े होके मोदी जी ने पूरा जो काम था इसका पूरा जायज़ा लिया था, देखा था, परखा था। यहाँ पर बैठे थे एक मिनट, तो ये पूरा जो काम था ये हमने देखा। ये देख रहे हैं, ये देख सकते हैं भाई काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पर राजस्थानी जो सैंडल्स हैं यहाँ हमें देखने को मिलती है। बाकी यहाँ देखिए भाई, यहाँ जो है आपको अलग अलग सर्फ की, अलग अलग प्रेस का जो पूरा काम है, बाकी जो वॉशिंग मशीन का वो हमें यहाँ देखने को मिल जाता है। ये देखिए इस्त्री का अलग, देखिए काफ़ी जो है हर एक काम जो है कपड़े की सिलाई से लेते कपड़े की प्रेस तक, और कपड़े की प्रेस के पूरा जो काम है वो हमें यहाँ देखने को मिल जाता है। ये देख सकते हैं पूरा प्रेसिंग का काम, अलग अलग काम जो है यहाँ देखने को मिल जाता है। ये देखिए कोट की प्रेसिंग का काम, ये देखिए बाकी इसका पूरा कपड़ों की धुलाई का काम जो है इन मशीनों में जो कि ये कंपनीज़ में इस्तेमाल की जाती हैं, इनका पूरा काम जो है हमें यहाँ जो है देखने को मिल जाता है। तो मैक्सिमम वॉशिंग का और ड्रायर का पूरा जो काम है इस पूरे एरिए में ही जो है हमें देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ देखिए भाई, यहाँ कठपुतली का पूरा काम जो है वुडन से किया हुआ है यहाँ देखने को मिल जाता है। देख रहे हैं कुछ इस तरह से जो पूरा काम है ये बनाया जाता है। देख, ये कौन सी वुडन से बनाया जाता है? ये कौन सी लकड़ी है? आला, ये जो है दूध की लकड़ी है, जिससे पूरा जो काम है ये पूरा किया जाता है। बाकी ये देख सकते हैं भाई यहाँ पर आर्टिफिशियल डॉल जो है ये तैयार की गई है कठपुतली। बाकी इस तरफ आप देख सकते हैं, ये देखिए कुछ इस तरह का काम आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। देख रहे हैं, ये देखिए बाकी कुछ इस तरफ, बाकी दोस्तों यहाँ दिखाना दे रहा है आपको सुनार गोल्ड स्मिथ। देख रहे हैं यहाँ पर आपको अलग अलग स्टेट की ज्वेलरीज जो है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। ये देख सकते हैं, बाकी ये देखिए भाई, ये देख सकते हैं पूरा काम और भी कई अलग अलग तरीके से। ये देखिए यहाँ पर आपको पूरा फॉर्म बता रखा है पहले बनाने का, कि ज्वेलरी किस तरह बनाई जाती थी, बाकी अब के टाइम में किस तरह बनाई जाती है, और बाय फ्यूचर जो है किस तरह जो है पूरी तैयार की जाएगी। देखें बाकी ये देख सकते हैं यहाँ पर अभी आपको कई सारे अलग अलग ज्वेलरीज जो हैं वो आपको यहाँ देखने को मिलती हैं। ये देख सकते हैं। बाकी ये देखिए G20 इंडिया को लेकर जो है ये काफ़ी ज़्यादा वो करके बनाया गया है। ये देख सकते हैं, बाकी यहाँ देखिए नीचे काफ़ी अलग अलग तरीके से, ये देख सकते हैं भाई बहुत सुंदर। ये देख सकते हैं काफ़ी सुंदर तरीके से जो है यहाँ पर चरखा भी बनाया गया है। बाकी सर आप ये क्या कर रहे हैं? रीजनिंग। अच्छा ये तो ये कौन सा ये पूरा ये ड्रैगन है जी? अच्छा ये ड्रैगन है। अच्छा ये पूरा आप डिज़ाइन दे रहे हैं। अच्छा ये बाकी ये कौन सा ये क्या है? ये तांबा क्या है? नहीं गिल्टी बोलता है। गिल्टी अच्छा मेटल। अच्छा ये देखिए सकते हैं भाई बाकी ये भी आपने डिज़ाइन दिया है? हाँ मैंने डिज़ाइन दिया। अच्छा ये देखिए भाई इन्होंने ही जो है। अच्छा ये इसकी कटिंग है इसके ऊपर लगा। अच्छा ये कुछ इस तरह से लगाया जाता है इसी तरह लगेगा ये। अच्छा ये देख सकते हैं भाई कुछ इस तरह से जो है ये इसको जाम करना पड़ेगा। अच्छा ये तो बाकी इसको आप जोड़ेंगे कैसे इससे? जलाई करेंगे। अच्छा जलाई करेंगे। अच्छा ये देख सकते हैं भाई कुछ इस तरह से जो है ये बनाते हैं, इनका डिज़ाइन देते हैं ड्रैगन का और भी कई अलग अलग जो डिज़ाइन है जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये बनाते हैं। बाकी जो है फिर इनको छपाई पूरा जो है काम जो है इनका रहता है। ये देख सकते हैं अभी देखिए किस तरह जो है करने लग रहे हैं। बाकी यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से देख रहे हैं ये देख सकते हैं। तो यहाँ जो है एग्जीबिशन में आपको कुछ इस तरह का जो काम है वो भी आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। तो भाई मैक्सिमम जो था इस पूरे एरिया का मैंने आपको पूरा का पूरा फुल टूर करा दिया है। तो चलिए भाई निकलते हैं यहाँ से बाहर। तो भाई यहाँ का जो है पूरा का पूरा हो गया है फुल टूर। तो चलिए भाई हम निकलते हैं इस पूरे एरिया से भी बाहर। ये देख सकते हैं ये रहा बाहर जाने का एग्जिट गेट, जहाँ से एंट्री हुई थी यहीं से ही अपनी जो है एग्ज़िट भी है। ये देख सकते हैं भाई यहाँ से निकल गए हैं बाहर। ये लो भाई देखिए इसके जो बनाने का पूरा जो तरीका है, इसके बाहरी एरिया में आपको जो है शीशे देखने को मिल जाएंगे। पूरे शीशे से जो एरिया है वो बाहर का कवर कर रखा है। ये देख सकते हैं वहाँ तक। बाकी ये देख सकते हैं आगे से जाने और आने के लिए ये पूरा भाई पूरा इस तरह से जो है आगे से मेन गेट कुछ इस तरह से शो किया जाता है। देख रहे हैं आगे का रास्ता आप देख सकते हैं भाई काफ़ी बड़ा जो है ये पूरा बना हुआ है। देख रहे हैं यशोभूमि देखिए भाई कितना बड़ा लग रहा है देखने से बाहर से ही। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। दोस्तों आज के इस ब्लॉग में मैंने आपको दोस्तों यशोभूमि जो कन्वेंशन और एग्जीबिशन सेंटर है इसका मैंने आपको पूरा फुल टूर करा दिया है। अंदर से बाहर से मैंने आपको पहले ऑलरेडी दिखाया था, लेकिन आज जो है मैंने आपको इसके अंदर से जो है पूरा फुल टूर करा दिया है, अंदर लेकर आया और अंदर से जो है पूरा कन्वेंशन पूरा जो एक्सपो सेंटर है ये मैंने आपको दिखाया। बाकी अंदर जो एग्जीबिशन जो प्रदर्शनी लगाई गई थी वो भी मैंने एक जो चीज़ें जो देखने को मिली वो मैंने आप तक शेयर करी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। आज का ब्लॉग आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों ऐसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।